जहानाबाद में चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आए बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के तीन यार हैं, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और उग्रवाद। साथ ही कहा कि इनके पूरे परिवार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है और अब देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन जनता नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है, इसलिए इस लोकसभा के चुनाव में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और नौकरी देने का इतना ही आपको बड़ा शौक था तो पांच विभाग मिला, एक भी नौकरी क्यों नहीं दिया? पथ निर्माण भी तो उनके जिम्मे था, मेरे जिम्मे, एक नौकरी नहीं दिया। ये भरमाता है, लोगों को बरगलाता है, नौकरी के नाम पर ये लोग जमीन लिखाने वाला, ये बिहार की जनता को जिस तरह से भरमाने का काम करना चाहता है, बिहार की जनता इसकी जवाब देगी। ऐसे लोग जो अपने परिवार से बाहर नहीं निकलता है, ऐसे लोगों को यही समय है, सही समय कि इसको बिहार से मुक्त करना आज आवश्यक है। सर, बताया जा रहा है सर कि यहाँ के भूमिहार नारुष्ट हैं, सर क्या कहना? देखिए, ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले जो पिता सजायाफ्ता हैं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी राजद के उत्तराधिकारी हैं। ये व्यक्ति अपने जो कंटेंट इनके बैठे हुए पर्दा के पीछे के लोग हैं वो लोग देते हैं, और ऐसे मानसिकता के लोग इनके कौन यार थे? आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार, ये आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी इनके यार हैं, और उनसे ये प्यार करके बिहार को बर्बाद कर दिए। अब देश को बर्बाद करने की ये सपना देख रहे हैं। बिहार की जनता भी इस बार सबक सिखाएगा। ऐसे आतंकवादियों, उग्रवादियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले को और देश की खजाना लूटने का अवसर नहीं मिलेगा। दो तिहाई से ज़्यादा बहुमत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने जा रहे हैं।